उर्दू जमात पंजम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लाहौर की बादशाह मस्जिद का सबक जो है वो मशक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी पढ़ाई की थी, आज हम इसकी मशक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर एक है, मंदा सवालात के जवाब दीजिए। बादशाह मस्जिद की किस मुग़ल बादशाह ने तमीर करवाई? क्योंकि हमने पीछे सबक में पढ़ाया था कि बादशाह मस्जिद जो थी वो मस्जिद की तमीर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई थी। ठीक है बच्चों, बादशाह मस्जिद के नज़दीक वाक़िया कौन सी दो मशहूर तारीखी इमारतों के नाम हैं वो तहरीर करें आपने। यहाँ हमने पढ़ा था कि इसके नज़दीक दो जो तारीखी इमारतें कौन कौन सी, एक जो है वो शाही किला और एक हजूरी बाग। ठीक है, और यहाँ पर मीनार पाकिस्तान भी है, आप लिख सकते हैं कोई से भी दो। बादशाह मस्जिद और शाही किला के दरमियान मौजूद बाग का नाम क्या है? यहाँ हमने पढ़ा था कि बादशाह मस्जिद और शाही किला के दरमियान जो एक बाग है उसे हजूरी बाग कहते हैं। तो बाग इनके दरमियान जो मौजूद बाग है उसका नाम हजूरी बाग है। बादशाह मस्जिद की अंदरूनी दीवारों किस तरह की हैं? बादशाह मस्जिद की जो अंदरूनी दीवारें हैं वो उस पर जो है वो कुरानी आयात दर्ज की गई हैं। इसके बाद है कि मस्जिद के सहन में वज़ू के लिए बनाए गए तालाब में क्या ख़ास बात है? इसमें ख़ास बात ये है बच्चों कि यहाँ का जो पानी है साफ़ और ताज़ा पानी हर वक्त दस्तियाब रहता है। तो ये सवालों के जवाब थे जो कि आपकी उसकी कहानी में से सबक में से पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इनके जवाब। अगले सवाल नंबर दो, खाली जगह पूर्ण कीजिए। एक बादशाह मस्जिद लाहौर शहर के डैश में वाक़ है, इसका आंसर है जी वस्त में वाक़ है। मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर डैश रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, हमने पढ़ा था पीछे सुर्ख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इसका सहन बहुत कुशादा है जिसमें डैश लाख से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है, 1 लाख। बादशाह मस्जिद का शुमार दुनिया की बेहतरीन डैश में होता है, तारीखी इमारतों में होता है। सुनहरी हरूफ से मज़ीन डैश लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, कुरान मजीद। ठीक है बच्चों, उसके बाद सवाल नंबर तीन है हमारे पास, बादशाह मस्जिद बादशाह ने तमीर करवाई थी। यहाँ पर इन्होंने आपको 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहादुर शाह जफ़र, शाहजहाँ, औरंगज़ेब आलमगीर और अकबर। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर है। बादशाह मस्जिद शहर में वाक़ है जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, इसका आंसर है लाहौर। मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर पत्थर इस्तेमाल हुआ था, जर्द रंग का, सब्ज़ रंग का, काले रंग का या सुर्ख रंग का? तो हमने पढ़ा था कि सुर्ख रंग का। चिकवाम में मतदा के दारे यूनेस्को ने बादशाह मस्जिद को करार दिया कौमी विरसा, आलमी विरसा, इलाकाई विरसा या शहरी विरसा? हमने पढ़ा था आलमी विरसा। अगला सवाल है सवाल नंबर चार, लज़ल अल्फाज के मानी लोगों से तलाश कीजिए। आपने इसके अल्फाज के जो मायने बताने हैं, वस्त इसका मतलब होता है दरमियान, हौस तालाब, खुशनुमा खूबसूरत, दस्तयाब इसका मतलब है मैसर, मंसूब ताल्लुक बनाया गया, नुक्स ऐब खामी। हम बाज़ू का अलवाल करते हैं कि इसमें बहुत बड़ा नुक्स है, इसमें बहुत बड़ी खामी है, ये इसमें ऐब है। सवाल नंबर पाँच है कि कवायद और ज़बानी शनासी के असूलों की रोशनी में गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करके लिखें। अब आपने लिखना है दरअसल में वो सच है, तो उसका है वो सच्चा है, दरअसल वो सच्चा है। आब जमज़म का पानी मुतबर्रक है, आब जमज़म मुतबर्रक है। कोहे हमालिया का पहाड़ बहुत ऊँचा है, कोहे हमालिया बहुत ऊँचा है। वो हर दिन सैर को जाता है, वो हर रोज़ सैर के लिए जाता है। ये दही बहुत खट्टी है, ये दही बहुत खट्टा है। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी मशक। अब आपने करना क्या है कि आपने अल्फाज के मायने, सवाल जवाब और दुरुस्त जो है वो गलत फिक्रात को दुरुस्त करके लिखना। इन तीनों क्वेश्चंस को आपने अपने नोटबुक पर लिखना भी है और अच्छे से पूरी मशक को याद करना है।